नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। आज आईपीएल 2020 का 56वां व आखिरी मुकाबला खेला गया लीग स्टेज का, और इस मुकाबले में यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइज हैदराबाद ने 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जीत के साथ ही वो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली थी। और शानदार प्रदर्शन दिखाया सनराइज हैदराबाद ने, और नंबर वन टीम को यहां पर बुरी तरह से हराकर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में नंबर तीन पर आ चुकी है सनराइज हैदराबाद, और साथ ही केकेआर के सारे सपने प्ले ऑफ में पहुंचने के टूट गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से सनराइज हैदराबाद प्ले ऑफ में पहुंची है। ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक, और साथ ही आप भी सनराइज हैदराबाद की जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों, हम इस मुकाबले की बात करते हैं। यहाँ पर शारजाह के मैदान पर टॉस जीता आज डेविड वार्नर ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद वापसी कर रहे रोहित शर्मा को 7 गेंदों पर 4 रन पर पवेलियन की राह दिखा दी संदीप शर्मा ने, और पहला विकेट मात्र 12 रनों पर गंवा दिया। इसके बाद क्यूटन डीकॉक भी 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव 36, ईशान किशन 33 और कुणाल पांड्या भी मात्र अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके अलावा सौरभ तिवारी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि कायरन पोलार्ड ने 25 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के थे। इसी पारी के बदौलत निर्धारित 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम 149 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। संदीप शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जहां 3 विकेट लिए, तो वहीं पर जैसन होल्डर को 2 और शाहबाज नदीम को 2 तो राशिद खान को 1 विकेट मिला। इसके बाद 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद के लिए यहां पर कमाल की पारी खेली डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह ने। दोनों ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों ने 151 रनों की नाबाद साझेदारी की और इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत लिया। डेविड वार्नर ने जहां 58 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था, तो वहीं पर रिद्धिमान शाह ने 45 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। मुंबई इंडियंस का कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले सका, और इस तरह से एक बेहद ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की यहां पर सनराइज हैदराबाद ने। वहीं पर इस जीत के साथ ही अब सनराइज हैदराबाद प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन प्ले ऑफ में पहुंचने से पहले ये राह उनके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इस राह से पहले उनके सामना करना था 3 बड़ी टीमें जो कि इस समय प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, आरसीबी, डीसी और एमआई से। लेकिन तीनों टीमों को हराकर यहां पर प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाई है। वहीं पर दोस्तों, पॉइंट टेबल की बात करें तो इस समय मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर इस आईपीएल को समाप्त किया है, तो वहीं पर दूसरे नंबर पर रही है दिल्ली कैपिटल। लेकिन तीसरे नंबर पर आ चुकी है अब सनराइज हैदराबाद, जिनके 14 अंक है, तो वहीं पर नंबर 4 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, जिनके भी 14 अंक है। यानी कि पहले क्वालीफायर खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच, इसके बाद एलिमिनेटर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइज हैदराबाद के बीच। इसके बाद एक बार फिर पहले मुकाबले में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम होगी दूसरे क्वालीफायर में आमने सामने। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम पहुँचेगी फाइनल में, 2 टीमें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।